हेलो एंड वेलकम टू अश्विंदा बेक्स, जहां हम सिखाते हैं आपको इजी बीजी रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। सो आज की हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी में है हमारी पनीर टिक्का सैंडविच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर टिक्का सैंडविच। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, हम देते हैं आपको सम टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के एंड में, और तभी बन पाती है आपकी रेसिपी भी बिल्कुल हमारे जैसी। तो जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाता है, ऑयल गर्म हो जाता है, हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से क्यूमिन सीड्स यहाँ पे, और साथ ही में मैं डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ अ बटर। इसे हम कर देंगे अभी साइड में। अब हम अपने पनीर को ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, थोड़ा धनिया मसाला, गरम मसाला, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। इसमें डालेंगे अब हम 1 चम्मच दही और सम तंदूरी मसाला, और इसे हम कर लेंगे अच्छे से कोट। अब इस मैरिनेशन को हम मैरिनेटेड पनीर को साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, और यहाँ पे हमने ऑयल जीरा लिया है, इसमें डालेंगे अनियन, साथ में डालेंगे टमाटो। इसे अब हम अच्छे से कुक कर लेंगे, हल्का सा इसमें सॉल्ट डालेंगे। जैसे ही हमारे अनियन एंड टमेटोज हो जाएंगे, हम डाल लेंगे अपने मैरिनेटेड पनीर को इसके अंदर। इसे हम अच्छे से कुक होने देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये अब हम साइड में ये कोयला रखेंगे, हमने गरम किया हुआ है, और इस पर इस तरीके से घी डालेंगे, और इसे अब हम दे देंगे तंदूरी इफेक्ट। ये ढक देंगे अभी हम प्लेट से। जैसे ही हमारा कोयले का इफेक्ट आ जाएगा, हम इसे निकाल लेंगे साइड में, और बस ये हमारा पनीर टिक्का सैंडविच की फिलिंग एकदम रेडी है। और एंड में डालूंगी मैं बहुत हल्का सा गरम मसाला। तो बस ये हमारा हो गया है रेडी, इसको हम कर देते हैं अब साइड में। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बटर, थोड़ा बटर हम डालेंगे अपने तवे पे। यहाँ हम थोड़ा बटर फिर से स्प्रेड करेंगे, ये ऑप्शनल है आप कितना बटर लगाना चाहते हैं, आप कम के साथ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ली है, तो अब मैं डालूँगी अपनी पनीर टिक्का की फिलिंग। ये देसी पनीर टिक्का है जिसको आपको तंदूर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तंदूरी फ्लेवर हमने ऑलरेडी इसमें दे दिया है चारकोल की मदद से। हम इसे तवे पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ताकि जिनके पास ग्रिलर नहीं भी है वो भी आसानी से तवे में बना सकता है। अब हम इसमें लगाएंगे हमारे स्पाइस्ड चीज़ स्लाइसेस, ये ऑप्शनल हैं, अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ मेयोनीज के साथ भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने हर्ब्ड वाले चीज़ स्लाइसेस लिए हैं जो इसके साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको। दूसरे स्लाइस पे हम लगा लेंगे यहाँ पे मेयोनीज, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही लगाऊंगी, और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इसको पलट लेंगे दूसरी साइड से और इसे कुक होने देंगे। चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए ये हमें ध्यान से देखना है। तो चलिए हमारा सैंडविच एकदम रेडी हो चुका है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं अब एक प्लेट पे। तो देखा आपने, तवे पे भी इतना क्रिस्पी सैंडविच बन सकता है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। Look at this guys,
पनीर टिक्का सैंडविच इज़ एब्सोल्युटली रेडी। चलिए इसे सर्व करते हैं। सो पनीर टिक्का सैंडविच बनाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो पनीर है वो ओवर कुक नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो आपका पनीर बहुत ही चूई हो जाएगा और वो सैंडविच में खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ग्रिल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि चीज़ जो है वो आप और भी अच्छी क्वांटिटी में डाल सकते हैं। हमने इसे तवे पे बनाया है तो हमने चीज़ कम डाला है। आप मेयोनीज़ को डेफ़िनेटली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको मेयोनी सैंडविच में नहीं पसंद तो आप इसको एज इट इज़ देसी स्टाइल बना सकते हैं विदाउट एनी चीज़। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। थैंक यू।